पर्यावरण प्रेमियों के भारी विरोध के चलते पेयजल परियोजना के लिए खलंगा रिजर्व फॉरेस्ट के पेड़ नहीं काटने का फैसला लिया गया। पेयजल निगम ने इस स्थान को छोड़ दिया है। अब इसकी जगह मालदेवता के निकट द्वारा गांव के पास कनारकाटा गांव में भूमि चिन्हित की गई है। पिछले दिनों सौंग बांध की पेयजल परियोजना के लिए खलंगा रिजर्व फॉरेस्ट में पेड़ों पर निशान लगाने के बाद पर्यावरण प्रेमी विरोध में उतर आए थे। यहां करीब 2000 पेड़ काटे जाने से भारी विरोध के बीच पेयजल निगम ने इस जमीन पर अपना दावा छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद अब पेयजल निगम ने देहरादून में कनार काटन गांव की जगह को चिन्हित किया। बताया गया कि क्षेत्र में वनभूमि का हस्तांतरण जल्द किया जाएगा। करीब 3000 करोड़ की सौंग बांध परियोजना में 524 करोड़ की पेयजल परियोजना बनेगी। इसके लिए सौंग बांध के नजदीक ऊंचाई वाले स्थान पर रिजर्व वेयर बनाया जाएगा। पेयजल निगम को 7 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है, जिसमें 4.2 हेक्टेयर भूमि पर 150 MLD का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा। कनार गांव से राजधानी के 60 वार्डों में पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। पेयजल निगम के अधिशासी अभियंता दीपक नौटियाल ने बताया कि जल्द वन विभाग के साथ मिलकर इस स्थान का सर्वे किया जाएगा। इसी हिसाब से DPR भी बनेगी, जिससे पेयजल परियोजना तैयार की जाएगी। तो वहीं प्रमुख वन संरक्षक धनंजय मोहन ने कहा कि जल्द संयुक्त स्थल निरीक्षण किया जाएगा, इसके बाद पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। मेरे को पता है, कल मैंने बात की थी, अभी स्थलीय निरीक्षण नहीं हुआ है, तो स्थिति क्या है वहाँ पे हमें अभी स्पष्ट नहीं है। जब एक बार संयुक्त निरीक्षण होगा क्षेत्र का, तब इसमें स्थिति क्लियर होगी कि कितने पेड़ हैं और क्या है। हाँ, वहाँ जब बन गया वो चेंज होके द्वार गांव गया है, क्या ये पूरा मामला है और क्या उस पर अभी कार्रवाई चल रही है? खलंगा में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का चयन हुआ था, उसमें स्थानीय जनता ने कुछ विरोध जताया है और ये इसमें अभी सिर्फ फॉरेस्ट का ही सर्वे चल रहा था और पेड़ काटने की कोई बात नहीं थी। तो कुछ ऐसा लगा लोगों को कि भाई 2000 पेड़ कटेंगे, 2500 पेड़ कटेंगे, किंतु सरकार ने ये फैसला लिया है लोगों का विरोध देखते हुए कि इसको वहाँ से हटाते हुए स्थल को कोई अन्य स्थान पर चिन्हित किया जाए। तो इस हेतु सर्वे किया गया और कनारकाटा गांव में द्वारा गांव के समीप है ये, वहाँ पे इसकी भूमि का सर्वे कराया जा रहा है। उपयुक्त होगी तो उधर पे ही इसको प्रस्तावित किया जाएगा, नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को।